जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र नजीबाबाद में कल रमा जैन कन्या कॉलेज में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत चतुर्थ चरण के क्रम में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे बिजनौर के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन। प्रोग्राम की अध्यक्षता रमा जैन कन्या इंटर कॉलेज के प्राचार्य केसी मठपाल व संचालन डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल ने किया। प्रोग्राम की शुरुआत नीरज कुमार जादौन ने दीप प्रज्वलित कर की। प्रोग्राम में छात्राओं ने जूडो, कराटे का बेहद आकर्षण प्रदर्शन किया। कई बच्चों को पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण के तहत समाज के लिए कार्य कर रही कई महिलाओं को पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्राओं महिलाओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने सभी का उत्साहवर्धन किया एवं विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्य। जोरदार क्लैपिंग करें हमारे ताइक्वांडो के खिलाड़ियों के लिए। स्टैंड अप, चुमचो, चरिये, खिनियो, गो बैक। कंज्यूमर फोरम में जज भी रह चुकी हैं ज्योति अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। अभी मैं पूनम अग्रवाल जी, पूनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, लायनेस क्लब की टीम का प्रेसिडेंट रह चुकी है। दोस्तों, ये सभी महिलाओं के लिए जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। मोनिका मिश्रम जी, अंडर ऑफिसर उजिता जी, एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अनुराधा पाठक जी को, अनुराधा पाठक जी वीगनिज्म को प्रमोट करती हैं और एनिमल वेलफेयर के लिए काफी कार्य करती रहती हैं और बड़ी सोशलाइज है। इनकी बेटियां भी इनकी तरह बहुत सोशल वर्क में लगी हैं। अगला मोनिका रेडी रहे। अगला मैं बताना चाहूंगी मोनिका सभी के साथ एक फोटोग्राफ कैसे उधर आई थी नीचे नहीं 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 सही नहीं सही नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आएंगे। टाइल्स ब्रेकिंग, टाइल्स ब्रेकिंग, और
प्रेरणा दायक पर्सनैलिटी है, आपके आने से पहले थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से इन्होंने संबोधित किया, ये यकीनन सम्मान के हकदार हैं। अभी है काशी प्रजापति जी, अगर यहाँ हो शुभा यादव, और इसने नेशनल का मेडल जीता है ताइक्वांडो में, और ये ब्लैक बेल्ट भी इसने हासिल कर ली है। ब्लैक बेल्ट एक इंटरनेशनल डिप्लोमा होता है जिसमें इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये ब्लैक बेल्ट हासिल इसने की है बहुत अच्छे नंबरों से। तो आप रिंकू जी का नंबर हम शेयर करेंगे, उसको उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको टाइकोंडो सीखने का शौक है तो। सर मैं चाहूंगी कि सारे पीएनएस के बच्चे यहाँ आगे आ जाएं। सर पीएनएस के बच्चों ने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा एक महिला सशक्तिकरण पे डांस भी किया था, ये दूसरे स्कूल से आए हैं सिर्फ ये आज मिशन शक्ति का परफॉर्मेंस देने के लिए। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पीएनएस अरियन पब्लिक एकेडमी में पिछले 12 सालों से बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जाता है और हमारे विद्यालय के खिलाड़ियों ने नेशनल और इंटरनेशनल में भी मेडल जीत लिए हैं और इसमें जैसे कि एक ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा होता है वो भी इन बच्चों ने हासिल कर लिया है। तो एक छोटा सा ताइक्वांडो डेमोन्स्ट्रेशन पीएनएस अरियन पब्लिक एकेडमी की तरफ से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। चुपचाओ छे खेनिया, जैसा कि ये ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट है, इसमें कुछ वर्ड कोरियन लैंग्वेज में भी यूज होते हैं। जमई पंचिंग पोजिशन 1 2 3 4, बच्चों को इस तरीके से वहां ट्रेनिंग दी जाती है। सिंगल पंच 1 2 3 4, डबल पंच 1 2 3 4, ट्रिपल पंच 1 2 3 4, साइड पंच 1 2 3 4, फेस पंच 1 2 3 4। हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। स्टैंड अप। उस घटना को याद कर रहे होंगे जो थोड़ी उम्र में होंगे सीनियर, उनको पता होगा उस व्यक्ति को पिछले हफ्ते मृत्यु दंड दिया गया, फांसी की सजा हो गई। वो इसलिए हो पाई क्योंकि जो वो परिवार था और जो गवाह थे उन्होंने बिना डरे गवाही दी। साथ ही साथ तमाम जो केसेस हुए, चाहे वो पॉक्सो के केसेस हो और चाहे वो अन्य महिला संबंधी अपराध के केसेस हो, उसमें एक दर्जन के लगभग हम लोगों ने उम्र कैद की सजा सुनी कोर्ट में। सजा ये पिछले 2 महीनों में हो। बस आप साथ दीजिए, बिल्कुल मत डरे, समझौता मत करिए अगर कोई आपका उत्पीड़न कर रहा है। कई बार लोग आपको डरा देते हैं, घर वाले भी डरा देते हैं कि शादी होनी है, ये होना है, वो होना है, तो क्या क्या पुलिस में जाना, ये सब मत करिए। पुलिस में जाइए जिससे कि आप उसको दंडित कर सके और आपको न्याय मिल सके। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं एज बाई लॉ और बाय द गवर्नमेंट। एसिड अटैक के जो विक्टिम्स होते हैं, जिनपे कोई अगर तेजाब से छेड़छाड़ ना कर सके, कोई आपसे अभद्र व्यवहार ना कर सके, वो देना पुलिस और समाज दोनों का कर्तव्य। पुलिस का कर्तव्य इसलिए क्योंकि पुलिस हमें हमेशा विजिबल रहना है। स्कूल में कोई बात होती है तत्काल हमारी जो टीम्स आती है, चाहे वो एंटी रोमियो की टीम हो और चाहे हमारी महिला वीक अधिकारी हो और चाहे हमारे अन्य अधिकारी हो, उनको आप तत्काल बातें बताएं। बिल्कुल चुप नहीं रहना है, चुप नहीं रहना, चुप्पी तोड़नी है, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे उसकी बातें आप सुनोगे तो वो किसी और लड़की के साथ वो बातें करेंगे, तो वो बातें बर्दाश्त नहीं करनी है। कोई भी अगर आपसे गलत बात करे, अभद्र व्यवहार करे, छेड़छाड़ करे, स्टॉकिंग करे, तत्काल पुलिस को आप बात बताएं, इससे हम उसपे एक्शन ले सकते। और चाहे ये स्कूल के अंदर हो या स्कूल के बाहर हो, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसमें अधिकांश लोग उनके परिचित होते हैं, या तो उनके दोस्त होते हैं या उनके मोहल्ले के लोग होते हैं,
या उनके परिवार के लोग होते हैं, कोई स्कूल के लोग होते हैं, और बाहरी लोग बहुत कम होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, तो बिल्कुल दबना नहीं उनसे, इस दबाव में नहीं आना है कि चलो मेरी बदनामी हो जाए। बदनामी आपकी नहीं होगी, बदनामी उस व्यक्ति की होगी जो आपके साथ बलात्कार कर। ये सोच बदलिए कि अक्सर हमको बताया जाता है कि पुलिस के पास जाएंगे, मीडिया में जाएगा तो मेरी बदनामी होगी। जब आपकी कोई गलती नहीं है तो फिर बदनामी आपकी क्यों? बदनामी उसकी होनी चाहिए जिसकी गलती है, जिसने अपराध किया। तो बेहिचक पुलिस के पास आइए, अपने घर वालों को बताइए और ये सारी बातें बताइए, जिससे कि सुरक्षित वातावरण आप सबको मिले। आप एक चुप्पी तोड़ोगे तो कई बच्चियों को हम बचा सकते हैं, क्योंकि अपराधी फिर देखता नहीं है कि कौन किसकी बहन है, क्या है। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं जिन्होंने सगे रिश्तों को तार तार किए, सगे रिश्तों, बहनों भाइयों के रिश्ते को, माँ बेटे के रिश्ते को, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। तो ऐसे रिश्ते होते हैं, आपको चुप नहीं रहना, आपको तत्काल उसके बारे में बताना, चाहे कुछ भी हो। अभी ये नजीबाबाद का ही केस था कुछ साल पहले, और पुलिस कैसे प्रयासरत है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है कि आप जब शिकायत करोगे तो एक FIR हम लोग दर्ज करेंगे, मुकदमे दर्ज करेंगे, उसकी विवेचना, और विवेचना के पश्चात कोर्ट में उसकी अच्छी पैरवी, जिससे कि हम लोग उसको सजा दिलाते हैं। इसी मुरादाबाद का एक केस, इसी नजीबाबाद का एक केस है, यहाँ पे कुछ साल पहले शायद 2015 या 16 में माँ और बेटी दोनों की जघन्य हत्या कर दी थी एक व्यक्ति। दोनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।